हमें फ्री वाईफाई सर्विसेज भी मिलती है इस ट्रेन राइड। यहाँ पर नायग्रा फॉल्स के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। एंड घरों का क्या प्राइस है वो भी मैं बात करने वाली हूँ आगे से। तो नायग्रा के क्या हाल है इस टाइम? Hi guys, welcome back to my channel Song Stories. I hope you all are doing good. तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं, अभी कुछ 8 बज रहे हैं और मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट सोलो ट्रेन जर्नी पर। एंड आई एम सो एक्साइटेड गाइज, मतलब एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ मैं अकेले ट्रेन राइड पर। सुबह जल्दी से निकलने वाली हूँ, ऑलरेडी मुझे लग रहा है लेट ना हो जाए, ट्रेन ना मिस हो जाए मेरी। तो कैब बुक कर दी है, कैब लेंगे फटाफट और जल्दी से पहुंचूंगी मैं गोटन स्टेशन। पुनीत भी वैसे चल रहा है मेरे साथ, इज कमिंग टू ड्रॉप मी, तो मैं आपको मिलती हूँ गोटन स्टेशन में। सी या, और मैं बताऊंगी फिर, एक बार ट्रेन में ले लूँ फिर बताती हूँ आपको मैं जा कर रही हूँ। सो गाइज, मैं पहुंच गई हूँ गोट्रेन स्टेशन और पता नहीं जब भी मुझे ट्रेन पकड़नी होती है ना, मुझे जब वी मेट मूवी याद आ जाती है, क्योंकि उसमें भी करीना कपूर हमेशा ट्रेन स्टेशन में एंड मोमेंट में पहुंचती थी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, और मैं भी अभी 5 मिनट पहले पहुंची हूँ। एंड आई वॉज लाइक यार शिट, ट्रेन ना मिस हो जाए। बट मुझे कॉफ़ी भी लेनी थी यहाँ से, तो मैंने पुनीत को बोला टिम हॉर्टन्स पास में है तो तुम जाके कॉफ़ी ले आओ, इनकेस ट्रेन आ भी जाती है। सो मैं यहाँ पर खड़ी रहती हूँ स्टेशन में, ट्रेन नहीं मिस होनी चाहिए, कॉफ़ी हो जाए तो हो जाए। तो उसके बाद क्योंकि मैंने टिकट नहीं परचेज करी थी, क्योंकि मैं प्रेस्टो कार्ड है मेरे पास एंड मैं वो भी यूज़ कर सकती हूँ, तो ये प्रेस्टो मशीन है यहाँ पर जहाँ पर आपको टैप करना होता है बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। तो आइदर यू कैन बाय अ टिकट या फिर आप प्रेस्टो कार्ड यूज़ करते हो तो तो टैप कर सकते हो, ठीक है। तो टिकट बाय करने के लिए आपको गो ट्रांजिट की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको कहां से कहां पर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जीबिशन गो से नायग्रा फॉल्स जाना था, तो मैं वो चेक करूंगी, स्केड्यूल यहां पे चेक कर सकते हो आप कौन सी ट्रेन में जाना, आपको वो चेक कर लिया। उसके बाद आप टिकट्स और फेयर्स चेक कर सकते हो, जैसे अगर आप वीकडे में जाते हो तो कुछ $21 के अराउंड लगता है ई टिकट जो होती है, एंड प्रेस्टो फेयर जो लगता है वन साइड दैट इज $17-79 लगता है कुछ। एंड क्योंकि मेरे पास प्रेस्टो कार्ड था तो मैंने टिकट परचेज नहीं करी है, सो आप भी अपना मतलब चेकआउट कर सकते हो इन केस यू हैव प्रेस्टो कार्ड, तो वो यूज़ कर लिया, नहीं तो टिकट परचेज कर ली, बहुत ही ईजी है, अपना ऑनलाइन टिकट ई टिकट परचेज कर लो। एंड वहाँ पर वैसे कोई चेकिंग नहीं होती है ऐसे, बट यू नो यू हैव टू हैव अ टिकट, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन में बैठी हूँ जितनी बार भी, तो वहाँ पर कोई भी चेकिंग नहीं होती, कोई नहीं आता चेक करने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो परचेज पासेज, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वीकडेज के वीकेंड्स के, तो जो भी मोस्ट सूटेबल आपको आप वो परचेज कर सकते हो। सो गाइज, इफ़ यू डोंट हैव अ कार फॉर नाउ तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से नायग्रा फॉल जा सकते हो, आइदर यू कैन गो ट्रेन यूज़ करके या फिर बस में भी जा सकते हो, इसी साइड में आप बस के स्केड्यूल्स एंड फेयर भी चेक कर सकते हो। सो ट्रेन आ गई थी और मैं फटाफट ट्रेन में चढ़ गई, क्योंकि मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लिए स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। एंड या इट वाज टाइम टू से गुड बाय टू माय डियर हस्बैंड, जो मुझे ड्रॉप करने आया था, एंड दो आई डिडंट वांटेड टू गो अलोन ऑन दिस ट्रिप, बट क्योंकि वो वीकेंड पे बिजी था तो ही कुडंट कम विद मी, सो या टाइम टू गो बाय। फाइनल कॉल जोजो, और मैं जाते ही वहाँ पर मैंने अपनी सीट ढूंढी, मैं बैठ गई एंड आई हैड लिटिल टेयर्स इन माय आईज, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा सा नहीं लग रहा था यार। बट फिर मैंने अपना मूड ठीक करा एंड आई वॉज इन्जॉइंग माई टिम हॉर्टन्स की गर्मा गर्म कॉफ़ी विद द अमेजिंग व्यूज़, और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ आते हैं इस ट्रेन राइड पर टू नायग्रा फॉल्स। तो स्टार्ट करें अपनी ट्रेन जर्नी, आर यू गाइस एक्साइटेड? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यू नो इस ट्रेन राइड पे आई एम गोइंग टू सी सम रियली ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द कैनेडियन लैंडस्केप। एंड ये देखो यार, ये लेक ऑन्टेरियो है जो भी आपको दिख रही है, और ये कितना सुंदर लग रहा है व्यू, वाओ। एंड बिफोर आई शो यू सम मोर ब्यूटीफुल व्यूज, मैं आपको बता दूँ कि ट्रेन ना फुली क्राउडेड थी राइट नाउ, मे बी बिकॉज फ्राइडे मॉर्निंग है, वीकेंड, एवरीबडी इज ट्रैवलिंग टू नायग्रा, और बीच में और भी स्टेशन आते हैं, जैसे सेंट कैथरीन्स आएगा, ओकविल आएगा, तो हो सकता है लोग ट्रैवल कर रहे हो। और ये देखो बीच में रास्ते में ना गाइज, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फार्म्स दिखे मुझे, मतलब मैंने सुना है कि नायग्रा में एंड रास्ते में जैसे सेंट कैथरीन्स है, ओकविल, यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर वाइन यार्ड्स भी हैं, सो आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारे वाइनरीज मिल जाएंगे आपको यहाँ पर नायग्रा में, सेंट कैथरीन में, एंड यू कैन बुक अ टूर फॉर योरसेल्फ। और पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, मैंने भी नहीं करा आज तक, पर मैंने सुना है और बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट सम डे।
एंड बीच में टाउन्स भी आते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये क्यूट क्यूट घर दिखते हैं बीच में हार्ट शेप के, कितने अच्छे लग रहे हैं यार, ये इतना ड्रीमी लग रहा है सब कुछ। और ये क्या है, मतलब ये सरसों के खेत हैं क्या है, वाह मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं पंजाब आ गई हूँ। आप लोगों को भी वैसी वाली फील नहीं आ रही, ऐसे पंजाब के खेत हैं और ट्रेन राइड चल रही है। एंड बिकॉज आई एम टू मच ऑफ अ बॉलीवुड पर्सन, तो मुझे इस टाइम पे ना DDLJ याद आ रही है। और 20 मिनट्स में मैं पहुंचने वाली हूँ नायग्रा फॉल्स। एंड आई थिंक ये सेकंड लास्ट स्टेशन है सेंट कैथरीन्स, और बहुत ही अच्छा रास्ता निकला, मतलब मुझे पता नहीं चला 2 घंटे कब निकले। एंड आई होप आप लोगों भी नज़ारे इंजॉय करेंगे। ये ना ऐसे 4 सीट्स होती हैं यहाँ पे ऑपोजिट टू ईच, तो इससे पहले यहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो अभी उतरे हैं बस। एंड फाइनली मेरे को थोड़ी स्पेस मिल पाई है, वरना मैं कोने में बैठी हुई थी। एंड देन ये देखो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है, सो यू कैन चार्ज योर फोन ओवर हियर, लैपटॉप फोन जो भी चार्ज करने हो, बहुत ही कन्वीनियंट है। एंड हमें फ्री वाईफाई सर्विसेज भी मिलती है इस ट्रेन राइड पर, एंड द स्पीड इज क्वाइट गुड, सो वाईफाई भी यूज़ कर सकते हो आप। तो बस अब और 20 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे नायग्रा फॉल्स, और अब इसके बाद मुझे करना है। सो गाइज अनाउंसमेंट यही हो रही है कि नेक्स्ट स्टेशन नायग्रा फॉल्स है, एंड इसके बाद ट्रेन जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगी क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है। प्लस वन मोर थिंग गाइज, यहाँ से स्टेशन से अगर आपको सिटी के लिए जाना है तो आइदर आप कैब बुक कर सकते हो या फिर यहाँ पर बस सर्विसेज होती है, जैसे टोरंटो में TTC है, मिसिसागा में MyWay है, वैसे ही नायग्रा में वीगो बस सर्विसेज होती है। आइदर यू कैन परचेज वीगो पासिस, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, या यहाँ पे स्टेशन पे मशीन्स होती हैं वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पर नायग्रा में यू कैन परचेज अ टिकट। तो मैंने ये पास परचेज नहीं करा है क्योंकि मैं सिर्फ 2 डेज के लिए आई हूँ, एंड आई एम गोइंग टू माई आंटीज प्लेस, तो वो मुझे पिक करने आ जाएंगी, एंड उसके बाद अगर हमें बस में ट्रैवल करना भी होगा तो वी कैन बाय अ टिकट एनी टाइम, सो इसलिए मैंने परचेज नहीं करा है, बट यू कैन डेफिनेटली डू दैट। नायग्रा स्टेशन पहुंच गई हूँ, एंड उतरते ही ना आपको प्रेस्टो मशीन में जाके वापस से प्रेस्टो कार्ड टैप करना है, एक बार जब आप एंटर करते हो तब करना होता है, और एग्जिट के टाइम करना होता है, और जो भी ट्रिप फेयर होता है वो इसमें डिडक्ट हो जाएगा फिर। एंड नाउ यहाँ से हम अपना सामान लेकर चलकर जा सकते हैं टूवर्ड्स आर कैब कार, और अगर बस लेनी है तो यहीं से आगे चल के जाएंगे, और यहाँ पर बस भी मिल जाएगी आपको, वीगो बस। सो गाइज मैं पहुँच गई हूँ नायग्रा फॉल्स, एंड अभी घर जाके आराम से बात करते हैं। किसके पास आई हूँ आंटी? ये मेरी आंटी, अच्छे तो लगो यार। तो मम्मी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, एंड मम्मी को भी वीडियो कॉल करूँगी, शी विल बी वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। तो अब आपसे एक घर जाके मिलते हैं, ओके बाय। तो हम स्टेशन से निकल गए थे घर के लिए, और रास्ते में मुझे ये सुंदर से ब्यूटीफुल से नायग्रा फॉल्स दिख गए, तो मैंने कैप्चर कर लिए, एंड घर पहुंचने के लिए आई थिंक 15-20 मिनट्स और लगने वाले हैं। सो गाइज मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, मुझे लग रहा था काफ़ी ठंड होगी, बट ठंड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है थोड़ी बहुत, बस सनी हो रहा है काफ़ी। और यहाँ की लेन मुझे इतनी अच्छी लगती है यार, इतनी क्यूट क्यूट घर है यहाँ पे। वैसे तो नायग्रा का जब भी नाम आता है तो नायग्रा फॉल्स की बात होती है, क्योंकि वो ही सबसे पॉपुलर और फेमस है यहाँ पे, जो देखने टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डेफिनेटली अपने आने वाली वीडियोज़ में ना और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली हूँ। यहाँ पर नायग्रा फॉल्स के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, प्लस नायग्रा के घर इतने क्यूट हैं, एंड घरों का क्या प्राइस है वो भी मैं बात करने वाली हूँ आंटी से इन माई अपकमिंग वीडियो। सो टोरंटो में तो घर लेना आजकल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत एक्सपेंसिव है, तो नायग्रा के क्या हाल हैं इस टाइम पे, नायग्रा में घर अफोर्डेबल हैं या नहीं है फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स, तो ये सब मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम के मिडल में पहुंची थी, तो आंटी ने कहा चलो ब्रंच कर लेते, खाना वॉज रेडी, और ये यम्मी घर के बने हुए छोले, दही बल्ले, राइस, रोटी, सैलड, एंड चलो जल्दी से खाते हैं देन आई सी। और अभी शाम हो गई है, सुबह से शाम कैसे हुई पता ही नहीं चला, बैठ के इतनी बातें गपशप करी आंटी के साथ मैंने, एंड अभी बाहर निकले थे वॉक करने के लिए, ऑलमोस्ट 7:10 हो गए, तो अब थोड़ा सा ठंडा होने लगा है मौसम, बट या काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मैं घर वर देख रही हूँ। तो आंटी के साथ घूम रही हूँ मैं, एंड आंटी इज़ बेसिकली फ्रॉम नोएडा ओनली, मतलब मम्मी और आंटी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड ही है, और मैं आंटी से कितने सालों के बाद मिल रही हूँ, मतलब 2019 में मिले थे बट 1-2 दिन के लिए मिल पाए थे, अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में नायग्रा फॉल्स घूमने, क्योंकि रात को वहाँ पर बहुत अच्छी
फायरवर्क्स भी होते हैं एंड वो फॉल में लाइट्स भी चलती है ना उस टाइम पे, तो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. मैंने रात के टाइम कभी भी नहीं देखा है. एंड अभी मैं यहाँ पर हूँ कुछ दिन, तो घूमेंगे फिरेंगे, वीडियोज़ भी बनाऊंगी जितना बना सकती हूँ, आंटी से भी बातें करेंगे खूब सारी. आंटी इतने सालों से यहाँ पर है, कुछ 21 ईयर्स से यहाँ पर है. आंटी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे, तो बहुत कुछ मैं भी आंटी से सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी बहुत कुछ. हाँ, घर आ गया हमारा, तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज. टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन बाय.